उत्तराखंड को अंतर्राष्ट्रीय योग हब बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसके तहत उत्तराखंड की पहली योग नीति का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस नीति में योग, नेचुरोपैथी, आध्यात्मिक के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रदेश सरकार 50% की सब्सिडी देगी। इसके अलावा आयुष, हेल्थ, वेलनेस सेंटरों और स्कूलों में भी योग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं योग नीति के प्रस्ताव तैयार करने को लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखंड को लगातार विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है और यह योग नीति प्रदेश के लिए वरदान साबित होगी। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड को विश्व पटल पर पहचान दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और आज अगर योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है तो नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण मिली है। और साथ ही हमारे प्रदेश, हमारी जो देवभूमि उत्तराखंड है, इसमें चाहे योगा हो, चाहे अनेकों प्रकार की जो धार्मिक गतिविधियां हैं, उसके लिए हमारा उत्तराखंड वैसे भी पहले से ही प्रसिद्ध है। और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से योग नीति का जो प्रस्ताव लाया गया है, निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के अंदर, चाहे हम निवेश की बात करें, चाहे अन्य अन्य कई औद्योगिक प्रदेश बनाने की बात करें, हमारे मुख्यमंत्री लगातार उत्तराखंड राज्य को 2025 तक देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये योग नीति जो लाई गई है, ये भी प्रदेश के लिए एक वरदान साबित होने वाली है।